नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ये अपने चैनल में। तो आज हम आपके लाए वर्ष 2017 का जो फाइनल पेपर हुआ था क्लास 12 का, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इन दलों साकार किसी तुम दिखा देते क्वेश्चन है, खेल कहानी में मनोहर की उम्र कितने वर्ष थी, पिता पत्र शहर किस शहर से प्रकाशित होता है, द्रुमणी सवैया कपड़ा शब्द पर्यायवाची वसन होता है। तो इन सभी क्वेश्चनों का बच्चे तरीके से तैयार कर लें। लता जी के गान की प्रमुख विशेषता उसका गानपन था, अच्छे अध्यक्ष प्रमुख वक्ता से असहमत होते हैं, कबीर ने की संगति करने को कहा है, तो साधु की दाल नगल में मुहावरे करते सफल ना होना। तो ये 2017 का पेपर है फाइनल। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ये आपके पेपर में आ सकते हैं। श्लोक में देवगढ़ किसका वंदन कर रहे हैं, विघ्न बाधाएं कब मार्ग छोड़ देती हैं, मेरा परिचय मिलने में कठिनाई हो रही है। तो ये सभी क्वेश्चन हमने आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन दिए थे 50 to 60 उन्हीं में से हैं ज़्यादातर। रेवती के चरित्र की स्थाएँ भी दी थी, अध्यक्ष गंभीर किस्म का प्राणी ये भी दिया था, यशोदा मृत्यु का कसम क्यों मान रही है, अर्जुन ने अकेले किन किन के दांत इकट्ठे कर दिए, भारत तोड़ने पर मनोहर ने सरोज से क्या कहा। सहायक वाचन के क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट नहीं डाले हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। देवकी की गोद में कौन मचल रहा है, कभी जलज ने थक कर बैठने को निषेध क्यों कहा है। तो इस पेपर को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। चायवाद की चार विशेषताएं, प्रगतिवाद की चार विशेषताएं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, ग्रामर में आपके पेपर में भी आ सकता है। भाषा बोली में 3 अंतर, व्यवहार अलंकार की परिभाषा, कहानी उपन्यास में 4 अंतर, शुक्लोत्तर के निबंधों की विशेषताएं, तुलसीदास बालकृष्ण शर्मा नवीन के साहित्य परिचय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा रामनारायण उपाध्याय। तो जो हमने कवि और लेखक परिचय की वीडियो बनाई थी उसमें भी दिए थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया था, तुलसीदास जी का दिया था। तो इसी प्रकार से आपका जो फाइनल आएगा वो भी उन्हीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से आ जाएगा, तो उन सभी को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आपका सच्चे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से 22वीं अंक सूची द्वितीय प्रति मंगवानी थी वो प्रार्थना पत्र है। तो हमने आपको अभी इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र नहीं बताए, तो अब टाइम भी नहीं बचा है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। निबंध समग्र सदुपयोग परोपकार जीवन में खेलों का महत्व, भारतीय समाज में नारी का स्थान। तो आप तो भारत में समाज में नारी का स्थान करके जाएं तो इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आ सकता है आपके पेपर में। अगर दूसरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाया करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।